गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे रस के भेद। हमने कुछ से रस के भेद किए थे और उसके आगे आज हम हास्य रस पढ़ेंगे। हास्य रस किसे कहेंगे कि विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट हास नामक स्थाई भाव हास्य रस कहलाता है। क्या है कि विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट हास नामक स्थाई भाव हास्य रस कहलाता है। देखिए, इसमें आलम्बन उदीपन संचारी भाव स्थायी भाव सभी कार्य करते हैं, इसका अपन यहाँ जिक्र करेंगे। इस हास्य रस में आलम्बन क्या रहेगा? विकृत स्वरूप या वेशभूषा वाला व्यक्ति रहेगा, या कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। क्या है आलम्बन? विकृत स्वरूप या वेशभूषा वाला व्यक्ति। उद्दीपन क्या होगा कि विकृत वेशभूषा या स्वरूप वाले व्यक्ति की चेष्टाएं, वह किस प्रकार से चेष्टाएं करता है, वह हमारा उद्दीपन रहेगा। अनुभव, जोर से हंसना, दांतों का दिखाई देना और हाथ पैर पटकना आदि जो हैं वह अनुभव होंगे। क्या होंगे? जोर से हंसना, दांतों का दिखाई देना या फिर हाथ पैर पटकना, इसके अनुभव होंगे। संचारी भाव, चपलता, हर्ष, आलस्य, ये आदि क्या होंगे? संचारी भाव होंगे जो थोड़े समय के लिए आएंगे और वापस विस्मृत हो जाएंगे। अब देखिए, इसका अपन उदाहरण पढ़ेंगे। एक ईजी सा उदाहरण लिया हमने कि बाबू बनने का यार फ्रेश फॉर्मूला सुनाओ। किसका फॉर्मूला है? बाबू बनने का। क्या है इसमें, खर्चा क्या है वो बताया नीचे। कीजिए चवन्नी खर्च मूछ की मुड़ाई में, लीजिए सेकंड हैंड सूट 1.5 रुपये में, डेमी रिस्ट वॉच 4 पैसे की कमाई कलाई में, गुदड़ी बाजार का हो बूट भी अधेली आना, करो पूरे खर्च आने 3 नेकटाई में, अठन्नी में कोट और चश्मा दुवन्नी में, मुरली बनो न बाबू मुद्री का 2.5 में। इस प्रकार से यह जो छंद है वह हास्य उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है कि फैशन का नया फॉर्मूला है, उसमें चवनी खर्च मूस की मुड़ाई, मूस को कटवाने में करना है, सेकेंड हैंड सूट लेना है 1.5 रुपये में, डेमी रेस्ट की घड़ी लेनी है 4 पैसे की कलाई में हो, और गोदड़ी बाजार से बूट की अधेली आना लाना है, करो पूरे खर्च आने 3 नेकटाई में, 3 नेकटाई लेनी है, फिर अठनी में कोट और चश्मा दोबनी में, मुरली बनो ना बाबू मुद्री का 2.5 में। इस प्रकार से देखिए इसमें कहाँ कहाँ जो हैं आलम्बन हैं, उद्दीपन हैं, अनुभव हैं और संचारी भाव हैं। यहाँ कवि में 2.5 रुपये में या कुछ रुपयों में बाबू बनने के इच्छुक लोगों को हास्यपूर्ण उपाय बताया है। क्या कहा है? यहाँ पर आश्रय जो हैं स्वयं कवि हैं, आलम्बन उक्ति हैं। इस उक्ति के रहते समय की चेष्टाएं जो हैं वह उद्दीपन हैं, चेहरे का खिल जाना आदि अनुभव हैं, तथा आवेग और संचारी भाव हैं। हास्य रस में असलीलता वर्जित हैं।
अग्नि रस है हमारा भयानक रस। भयानक रस विभाव अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट या युक्त भय नामक स्थायी भाव ही भयानक रस कहलाता है। देखिए इसके भी इन्हीं चार आधारों पर हम विवेचन करेंगे। अब भयानक रस में आलंबन भयानक व्यक्ति भी हो सकता है, भयानक वस्तु भी हो सकती है और भयानक अंधकारमय दृश्य भी हो सकता है। उद्दीपन रूप में भयानक व्यक्तियों की चेष्टाएं और ऐसे में किसी का सहायक न होना भय उत्पन्न करता है। फिर अनुभव के रूप में कंपन, रोमांच, गदगद स्वर में बोलना, फिर मूर्छित हो जाना, ये सभी अनुभव के अंतर्गत आते हैं। फिर है संचारी भाव, इसमें त्रास, शंका, ग्लानी, दैन्य और जड़ता आदि भाव रहते हैं। यहाँ अपन इसका एक उदाहरण करेंगे। क्या है? हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन कुलिस होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार बार होता था क्रूर, दिग्दाहों से घूम उठे जलधर, उठे क्षितिज तट के सगन गगन में, भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। ये था हमारा भयानक रस से युक्त एक छंद। अब देखिए इस छंद के वर्णन में जो प्रलय हुआ है वह है आलंबन। क्या है? प्रलय की जो स्थिति है वह आलंबन है। फिर भयंकर बादल, झंझावात, ज्वालामुखियों का आग उगलना आदि इसमें उद्दीपन का भाव पैदा करते हैं। कवि हृदय जो हैं वह आश्रय हैं। हाहाकार होना, क्रंदन, बधिर हो जाना आदि इसमें अनुभाव हैं, तथा त्रास, विकलता, मूर्छा, चंचलता आदि इसमें संचारी भाव हैं। इस प्रकार से यह हमारा हुआ भयानक रस। अगला जो हमारा अलंकार है वह है विभत्स अलंकार। और विभत्स अलंकार कैसे बनता है? कि विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जो अभिव्यक्त जुगुप्सा, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है या ग्लानी इसका स्थायी भाव है, स्थायी भाव विभक्स रस कहलाता है। यानी ये भी विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही अभिव्यक्त होता है और उसको अपन विभक्स रस कहते हैं। इसके भी वापिस तीन ही आधार हैं, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। क्या कहा है यहाँ पर? जैसे आलंबन किसे कहेंगे? आलंबन घृणा पैदा करने वाली वस्तु या स्थान भी हो सकता है। यदि मृत जानवर है उसको अपन देख करके घृणा करते हैं और ऐसे स्थान में भी अपन नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ घृणा पैदा करने वाली वस्तु है वह आलंबन बनेगा, यानी विभत्स रस में वह सहारे के कार्य करेगा। उद्दीपन उस मृत जानवर से दुर्गंध आना, उसके ऊपर कई सारे कीड़े पड़ जाना और उसके मांस के लोथड़े हैं इधर उधर फैल जाना, ये सभी चीज़ें जो हैं वह क्या करेगी? उद्दीप्त करेगी, उद्दीपन का कार्य करेगी। फिर हैं अनुभाव। इसके अंदर हमारे मन में, हमारे चित्त में कई प्रकार के भाव आएंगे। जैसे हम दुर्गंध को सूंघ करके नाक को सिकोड़ना प्रारंभ करेंगे, हम उस चीज़ को देख के थूकेंगे और उस चीज़ को देख के मुंह फेर लेंगे।
ये हमारे अनुभव होंगे। फिर संचारी भाव, कहीं देख करके हमें आवेश आ सकता है, व्याधि हो सकती है और हम मूर्छित भी हो सकते हैं, उस चीज़ से हमें मोह भी हो सकता है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो संचारी का कार्य करेंगे। इसका मैंने यहाँ उदाहरण दिया है कि ओजरी की झोरी कांधे, आंतन की सेली बांधे, मूंड को कमंडल खपर कियो कोरी के, जोगिनी झुर टुंक झुंड बनी तपसी सी, तीर तीर बैठी है समरसरी खोरी के। इस प्रकार से एक वर्णन है जहाँ पर हम इस पद में आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव कहाँ हैं इसका जिक्र करेंगे। क्या कहा है यहाँ पर? एक युद्ध का दृश्य है। किसका दृश्य है? युद्ध का। और यहाँ पर युद्ध का दृश्य ही आलम्बन का कार्य करता है। क्या करता है? युद्ध का जो दृश्य है वही आलम्बन का कार्य करता है। फिर जोगिनी, भूत प्रेतों के जो यहाँ कार्य कलाप हैं वो उद्दीपन का कार्य करते हैं। फिर हंसना, सिहरना और मुंह बिचकाना, ये सभी कार्य हमारे इस संदर्भ में अनुभव हैं, तथा ये सब देख करके भय और त्रासदी आ जाती हैं, तब भय और त्रास यहाँ पर संचारी का कार्य करते हैं। इस प्रकार से यहाँ हमें इस पद में, इस संद में विभत्स रस का आभास होता है। अगला हमारा रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस किसे कहेंगे? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपुष्ट विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। क्या है? विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से परिपुष्ट विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। इसमें भी ये चार फैक्टर कार्य करेंगे, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। आलम्बन हम किसे कहेंगे? जैसे विचित्र दृश्य, अलौकिक व्यक्ति दिखाई दे दे या वस्तु हमें दिखाई दे, तब हम अद्भुत महसूस करेंगे। तो ये जो विचित्र दृश्य हैं, अलौकिक वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, ये हमारे अंदर आलम्बन होगा। फिर उसकी विचित्रता, उसकी अलौकिकता जो है वह हमारे अंदर उद्दीपन का कार्य करेंगे। फिर वह चीज़ देख करके हम अवाक रह जाते हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे अंदर अनुभव का कार्य करते हैं। फिर हम उस चीज़ को देख करके विषाद में आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं और तर्क वितर्क करने लगते हैं, और यहाँ मति आदि जो हैं वह हमारे अंदर संचारी भावों का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हमें जो विस्मय नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। इसका हमने यहाँ उदाहरण लिया है। ये क्या कहा है? केसो कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रही शून्य बीति, यहाँ शून्य हो जाना, पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति दुख पाए यही तनु हेरे। तो इस प्रकार से इस पद में एक अद्भुत ता महसूस होती है, अद्भुत हमें लगता है इस पद को पढ़ करके, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। देखिए यहाँ पर ये जो जगत हैं,
वह आलम बने हैं। क्या कहा है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समझी मन ही मन रहिए। इस जगत की रचना को देखकर विचित्र हो जाता हूँ, देखता रह जाता हूँ। तो ये जगत हैं आलम्बन, और इस जगत की विचित्रता ये जो हैं उद्दीपन का कार्य करती है। फिर इस जगत को देख करके अवाक रह जाना, भ्रम में पड़ जाना आदि यहाँ पर अनुभव हैं। इसके बाद में विषाद ग्रस्त होना, भ्रम में पड़ना, तर्क आदि यहाँ पर संचारी भाव होते हैं। इस प्रकार हमने इस अद्भुत रस की कुछ व्याख्या की। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे दो चार और रस रह गए हैं, उनका जिक्र करेंगे। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।